या ना मानो, इससे बालाजी को कोई फर्क, अगला आदेश आपका है। दोनों लोग आ जाओ। कहाँ से? न्यू आया हुआ हूँ, धन्यवाद के जाकर यहाँ से जो लखन राजपूत, खड़े हो जाओ। बताओ पत्रकार महोदय, इन्हें क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? कौन सा रोग है? मान जी संजी, हम डॉक्टर तो है नहीं यार, जो डॉक्टर है तो दिखा है। अब आपके पास तो सही बागेश्वर धाम की कृपा है। बोलिए भैया, क्या अर्जी लेकर आए? अपना ये जब तक देखो, इनसे सुनो और पर्चा पढ़ो, जूम करो भाई सभी। ये यही बोलेंगे जो हमारे पर्चे में लिखा होगा, इसके बाहर नहीं बोलेंगे। पढ़वे में आ रहा है, पढ़ ले, माइक ले लेते हैं। जैसे कि काम करेंगे, देखो तो गंभीर रोग है, कैंसर हुआ है। गंभीर रोग है, कैंसर हुआ है, चौथे स्तर पर पहुंच गया है, शरीर सूख रहा, कीमो के बाद भी दवा असर नहीं कर रही, मुंह में दिक्कत बनी हुई है। पूछो इनपे, ऐसा ही है भैया? ना ही ना कर है, चौथा है ही नहीं है। पर्चा में आओ ना ही कर जाए। अब जी अब मान नहीं सो बब्बा जी रो तारे यहाँ का कर ले, आराम लगेगा, आशीर्वाद। डॉक्टरी भाषा अनुसार मना हो चुका है, आहार नली को भी पकड़ रहा, खाने वाली जो नली होती है, इसके बाद पूरे दोनों तरफ में उसने पकड़ लिया है और छाले के बाद कैंसर बने, गांठ और छाला, इसके बाद ये दोनों तरफ पकड़ रहा है। कैंसर की औषधि जो धाम से मिलती है वो मंगलवार को मिलेगी। लहसुन प्याज को कक्का बंद करने, मंगल की पेशी करने, भगूति लगाऊने, से दवाई मिल है, इतना कर होता कृपा हुई है, उपाय ध्यान पूर्वक सुनो। ऐसे जब तक सिग्नल है तब तक बता भी खन्ना बता। सात मंगलवार चोला चढ़वाना है बालाजी महाराज को, चोला चढ़वाना है सरसों के तेल से, शुद्ध सरसों के तेल से चढ़वाना है। और जिन ब्राह्मण देवता से चोला चढ़वाएं उनसे कह देना है कि बालाजी के चरणों का चरणों तक एक कटोरी में रख दें, उसे पीने के बाद आपको भोजन करना, तब तक भोजन नहीं करना। ये सात मंगलवार यह उपाय करो, शेष पेशी करो, मंत्र को जाप करो, भभूति लगाओ, तो बप्पाजू 1 साल 3 महीना में ठीक कर दे हैं, आशीर्वाद है। बोलिए भाई सरकार की। ना करो तो ना हम भगवान आए, ना तुम इतने बड़े बारे भक्ता। बालाजी चलो उठ जाओ, पक्का उठ जाओ आराम से। पहले से किसी को भी अपना प्रश्न ना